जी बाबू, मैं क्या करूं? एक तरफ मैं ये नहीं जान पा रही हूँ ये लड़की और उसका साथी कौन है और किस इरादे से आए हैं वो दोनों यहाँ, और दूसरी तरफ मेरी संपूर्ण अतिथि को हवेली से बाहर निकाल रहे। पहले तो आप हमेशा मेरी हिम्मत बनके, मेरे रक्षक बाबू बनकर मुझे समझाते थे कि क्या करना चाहिए मुझे, पर आज आपके बिना समझ ही नहीं आ रहा मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे हल मिल जाए इन दोनों परेशानियों का। पता है खाकर ससुर जी भी बहुत गुस्सा है मुझसे, एकदम अकेली पड़ गई है ये नन्ही सी बांधता। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी साथ नहीं है मेरे, कभी ऐसा अकेलापन महसूस नहीं हुआ मुझे यहाँ जैसे अब हो रहा है। विवाह, विधवा विवाह, कौन कौन करेगा उस विधवा संपूर्णा से विवाह? कौन? आपका नौकर बिहारी मालिक? नौकर का तो फर्जी होता है ना कि मालिक पे आए हर मुसीबत को दूर कर दे, और इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी? और वैसे भी वो आपका वफादार है मालिक, ना थोड़े करेगा आपकी बात का। मुंशी, उस विधवा के माँ बाप को गांव से बुलवा लो, यही सही रास्ता है उस विधवा के लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जी मालिक। साइकिल बंद था, साइकिल 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 क्या पति बाबू बोलिए, क्या साइकिल पति बाबू बताइए, मैं सुन रही हूँ। साइकिल बोल के पता नहीं क्या बताना चाहते हैं पति बाबू। बंधुता, 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 उठो, आओ। देखा ना पति बाबू, जैसे आपने मुझे अकेले छोड़ दिया, मैं गिर गई। देखिए कितनी चोट लगी है मुझे। आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे। बंधुता, अकेले छोड़ूंगा तभी तो तुम आत्मनिर्भर बन पाओगी ना, और हमेशा तुम्हें मेरा सहारा क्यों चाहिए? मुझसे पूछकर तर्क करती हो, तुम इतने सारे सवाल पूछती हो, ऐसा क्यों पति बाबू, ऐसा क्यों काका ससुर जी, तुम मुझसे पूछकर पूछती हो? नहीं ना, अपने आप पूछती हो, तो साइकिल चलाना अपने आप क्यों नहीं सीख सकती? दुख रहा है वंदिता, अब ये बताओ ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी मैं तुम्हारे पास ना रहूं और तभी कोई मुश्किल आ जाए तो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहोगी, इंतजार करोगी मेरे पति बाबू आएंगे, मेरा सहारा बनेंगे, मेरी मुश्किल आसान करेंगे और तभी कुछ होगा? नहीं ना,
कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अकेली रहो और तुम्हें अकेले ही लड़ना हो उस तूफान से जो तुम्हारे सामने खड़ा हो। तब तो तुम्हें अकेले जीतना होगा ना उससे। एक बात याद रखो बंधुता, तुम्हें मजबूर नहीं मजबूत बनना है, क्योंकि तभी तुम्हारे जीवन में चाहे कोई भी परेशानी आए तुम उसका हल ढूंढने में सक्षम रहोगी उस परेशानी को हराने में, उस परेशानी से जीतने में। जीतेगी ना बंधुता? हाँ पति बाबू। हाँ पति बाबू। जीतेगी ना बंधुता? हाँ पति बाबू। हाँ तो चलो फिर से शुरुआत से। बैठो। शाबाश बंधुता। सही कहा था आपने पति बाबू, अब मुश्किलों से घबराऊंगी नहीं, मैं लड़ूंगी मैं इस तूफान से, क्योंकि आपने ही सिखाया है अपने डर से लड़कर ही डर को हरा सकते हैं, मजबूत बन सकते हैं। समझ गई हूँ मैं कि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। अब कैसे भी करके बस जहर की तीसरी पुड़िया देनी है मुझे अनिल बाबू को। जैसे हमेशा मेरे पति बाबू रक्षा करते हैं मेरी, इस बार मैं रक्षा करूंगी अपने पति बाबू की। मैं बनूंगी उनकी हिम्मत, कोई साथ नहीं मेरे तो क्या, बिना सहारे लड़ूंगी अपने परिवार के हर दुश्मन से और सच बाहर लाऊंगी उस झूठी लड़की का और उसका जिसने भेजा है उसे यहाँ। मुझे शक्ति दो दुर्गा माँ कि बचा सकूँ मैं अपने पति बाबू को और सारे दुख लेकर खुशी दे सकूँ अपनी संपूर्णा दीदी को। आशीर्वाद दो मुझे दुर्गा माँ कि इस लड़ाई को जीत कर रक्षा कर सके अपने पति बाबू की और अपने परिवार की आपकी बंधुता। ऐसे ही बालों वाले भारी भारी हाथ और पैर थे उस घूंघट वाली औरत के। लेकिन बहुरानी जी ऐसे हाथ तो औरतों के नहीं होते, इतने बाल तो आदमियों के हाथों में होते हैं औरतों के नहीं। बात तो आप सही कह रहे हो भारी बाबू,
संपूर्णा दीदी के, मामी के, माँ के या किसी भी औरत के हाथ पर? वैसे बाल नहीं देखे मैंने, मैं अभी आई। ये लीजिए भारी बाबू, पहन लीजिए। ये काय बहुरानी जी, पहनिए तो। जरा हाथ बाहर निकालिए। हाथ आप ये क्या कर रहे हैं बहुरानी जी? हे, मस्करी करने का समय है, देखिए मालिक की हालत। मस्करी नहीं कर रही हूँ, दिमाग लगा रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो पुरुष ही हो जो साड़ी पहनकर मिला हो उस लड़की से। लेकिन बहुरानी जी, कोई आदमी औरतों की तरह साड़ी क्यों पहन सकता है भला? शायद अपना चेहरा छुपाना चाहता है इसीलिए। हर आदमी भला घूंघट में मुंह थोड़े छुपाता है बहुरानी जी। क्यों? आदमी गलत काम नहीं कर सकते क्या? वाह भारी बाबू, औरतें सब अच्छा करे तो भी उनसे आशा की जाती है कि वो घूंघट में मुंह छुपा कर रहे, और आदमी गलत काम करके भी मुंह ना छुपाए। क्यों? आदमियों के मुंह पर खास भगवान जी ने मलाई लगा कर भेजी है क्या? मेरा कहने का मतलब वो नहीं था बहुरानी जी, अगर आदमी गलत करता है तो उसे भी मुंह छुपाना पड़ता है। हाँ, अब समझी। वो आदमी भी कुछ गलत ही कर रहा है, इसीलिए औरत बनकर मुंह छुपा रहा है ताकि हम उसे पहचान ना सके। शायद हम उसे जानते हो इसीलिए डर रहा है वो। पर बहुरानी जी, कौन ये काम कर सकता है, कौन हो सकता है वो? अरे बाबू, वो वही है जो महापूजा में शामिल नहीं हुआ है और जिसे हम अच्छे से जानते हो। जो कहिए बहुरानी जी, वो आदमी बहुत बहुत शातिर है वो। एक बात कहूँ बहुरानी जी, उस लड़की पे हमें भी भरोसा नहीं है, देखकर ही लगता है दाल में कुछ जरूर काला है। भारी बाबू, पर जानना ये है कि ये काली दाल कौन पका रहा है? पति बाबू, मैं यही हूँ, चाहिए आपको? क्या चाहिए? हमें कागज। बाबू ने ये कागज क्यों मांगे होंगे? ये तो वही कागज है जिसपे पति बाबू अलग अलग किताबें पढ़कर सोच सोच कर लिखते थे, किन बातों पर ध्यान देकर अपराधी का सच सामने लाया जा सकता है। सबको जिस जगह पर अपराध हुआ हो उस जगह की एक बार नहीं बार बार जांच करनी चाहिए, क्योंकि अपराधी अपनी गलती का कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। पति बाबू, मैं समझ गई। मुझे ये बात बताने के लिए आपने आँख खोली थी ना?
देखा बारी बाबू, अपराधी तक पहुंचने की राह दिखा रहे मुझे पति बाबू। वो हमारी बातें सुन रहे थे बारी बाबू, अभी तो ये कागज देकर समझाया मुझे कि हमें अच्छे से जांच करनी होगी उस जगह की। उस कमरे के आसपास तक फटकने नहीं देंगे बड़े मालिक हमें। हम उस लड़की के कमरे में नहीं जाएंगे बारी बाबू। हाँ, तो फिर कहाँ? बल्कि उस जगह जाएंगे जहाँ पति बाबू उस औरत का पीछा करते हुए गए थे और वहाँ जख्मी हाल में बेहोश मिले थे मुंशी जी को। आपका मतलब है कि गांव के बाहर वाला छोर? हाँ वही। हाँ जरूर, हमें कोई ना कोई सुराग मिलेगा अपराधी तक पहुँचने के लिए। हाँ। आती हूँ मैं पति बाबू, आप अपना ख्याल रखेंगे ना? चलिए। उस दिन मेरा बटुआ यहीं कहीं गिर गया था, इससे पहले कि किसी और के हाथ लग जाए उसे ढूंढना होगा मुझे। चलो उसे पकड़ते हैं। मैं छोटी मालकिन, वो उधर। आप भी छोटी मालकिन की तरह सुराग ढूंढ रहे हैं? सुराग? हाँ सुराग, जो औरत के वेश में छिप करके घूम रहा है। उसी के पीछे तो अनिरुद्ध बाबू भागे थे। गजभर की बच्ची और इतना तेज दिमाग, समझ ही लिया इसने कि कोई आदमी औरत बनकर कर रहा था उस लड़के की मदद। हाँ छोटी मालकिन, सुराग ही तो ढूंढ रहा हूँ तब से। पर आप क्यों आए? हाँ। अब क्या बताएं छोटी मालकिन, जब से अनिरुद्ध बाबू की वो हालत देखी है ना, कुछ तो रहा नहीं जा रहा। बहुत तकलीफ हो रही है उनकी हालत देखकर। मैं तो बस दिन रात यही सोच रहा हूँ कि सब किया किसने, जल्दी से उसे पकड़ा जाए ताकि वो दोबारा हमला ना कर दे उन पर। इसीलिए मैं इधर आ गया कि शायद कुछ मिल जाए। आज अगर मेरा बेटा सौरभ जिंदा होता छोटी मालकिन, तो वो भी तो यही करता ना अनिरुद्ध बाबू के लिए। आप इतनी कड़ी धूप में और इतने घने जंगल में क्यों परेशान हो रही हैं? मैं हूं ना, मैं जंगल का कोना कोना छान मारूंगा। मैं कुछ ना कुछ पता लगा के जाऊंगा छोटी मालकिन, आप ना हवेली जाइए। धन्यवाद मुंशी जी। मेरे पति बाबू ने सिखाया मुझे अपना काम खुद ही करना चाहिए। चलिए ढूंढते। हाँ आप लोग उधर ढूंढिए, मैं इधर ढूंढता हूँ। अच्छे से देखना। चलिए
ना कुछ जरूर मिलेगा। जी छोटी मालकिन। Updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.